दिखेगा। छह बजे हम चाय पे चर्चा करते हैं और इसी चाय के चर्चा के माध्यम से हम सियासी चर्चा करते हैं, क्योंकि झारखंड में चुनाव होना है। पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है, अब दूसरे चरण की वोटिंग होनी बाकी है। ऐसे में हम हर जगह पहुंच रहे हैं जनता के बीच और जनता के मूड को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाय पीते नजर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। भैया, चुनाव होना है, क्या लगता है इस बार किस तरह की सरकार आपको चाहिए? जो विकास करेंगे वही सरकार चाहिए, जो विकास करेंगे। आपके नज़र में कैसा विकास हुआ है यहाँ पर? ठीक है, अभी तक जो हुआ बढ़िया ही हुआ है और आगे भी बढ़िया ही होगा। क्या क्या, जैसे बताइए। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, सरकार बहुत तरह का अपना स्कीम भी लाई हुई है, ये सब विकास हो रहा है। और क्या कुछ होना चाहिए आपके नज़र में, क्योंकि इस बार आपको वोट करना है, क्या सोचकर इस बार वोट कीजिएगा, क्या कुछ मन में चल रहा है? युवाओं को रोजगार का अवसर होना चाहिए ना, रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार का अवसर मिलना चाहिए युवाओं के लिए, अवसर मिलना चाहिए। इस बार चुनाव होना है, किस तरह की सरकार? एक अच्छी सरकार हो, एक अच्छी सरकार हो जो स्टूडेंट्स के लिए काम करे। एक्चुअली अभी एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, और अभी जो हमारा इंसिडेंट हुआ है रांची में और प्लस हैदराबाद में, इंसिडेंट को आप लोग देख सकते हैं कितना शर्मनाक है। तो ऐसी सरकार है जो उस पर एक्शन ले, स्ट्रिक्ट एक्शन ले, रूल रेगुलेशंस मेंटेन हो सिटी में। वी आर द स्टूडेंट्स, हम लोग, हमारा करियर भी बहुत बड़ा इशू है सरकार के सामने। तो वी वांट कि ऐसा सरकार आए जो स्टेबल, स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वोट कर, हाँ, क्या सोचकर वोट करोगे? जैसा मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयमेंट, रूल्स रेगुलेशंस सोसाइटी में। अभी वुमेन सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, हम लोग को लग रहा था कि वुमेन सेफ्टी जो है हम लोग उसको ओवरकम कर चुके हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मतलब जो भी यहाँ पे सरकार बनती है, जो भी विधायक बनते हैं, उनके मुद्दों में वुमेन सेफ्टी एकदम होनी चाहिए। तो किसी ने ध्यान दिया लगता है? मुझे लगता है कि जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो बीजेपी गवर्नमेंट मेरे को लगता है कि अभी तक में ठीक है, लेकिन हाँ, अपोजिशन को भी अपना चैलेंज देना चाहिए। अपोजिशन जो है थोड़ा सा वीक लग रही है मुझे। क्यों वीक लग रही है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? वजह तो मैम अभी तो नहीं एनालाइज कर सकते, लेकिन हाँ, अपोजिशन वीक है जो। ठीक है, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स, उनसे बात करते हैं। इस बार क्या लग रहा है कि कौन सत्ता में आएगा, क्या चाहती हैं इस बार, क्या कुछ उम्मीदें हैं कि जो भी सरकार आए वो? आप तो महिलाएं हैं, आप लोग क्या चाहती हैं, कुछ बताइए। आई थिंक सो रघुवंश सरकार विल बी कम, आई थिंक सो। उनका अच्छा रहा अभी जो भी शासन रहा, मतलब उनका जो भी कार्यपाल रहा तो अच्छा रहा, तो उनको लगता है वही दोबारा बनने वाले हैं। वुमेन सेफ्टी कोई मुद्दा है? बहुत बहुत जरूरी है वुमेन सेफ्टी, बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये हादसे हो रहे हैं, तो बहुत जरूरी है, बस और कुछ नहीं। और क्या कुछ होना चाहिए इस बार जो भी सरकार आती है? कैसी सरकार चाहिए आपको? विमेन पे सेफ्टी फर्स्ट। आप वोट कर रही हैं आप? ऑफ कोर्स आई विल डू। क्या सोचकर वोट करेंगी? विमेन सेफ्टी, जिनका सबसे अच्छा होगा, देखेगा, लगेगा, उनको वोट करूंगी। इतने दिनों में क्या समझ आया, क्या लगा, विकास हुआ या नहीं हुआ? रांची विकास के दौर में कितनी आगे हुआ है? ऑफ कोर्स हुआ है। और क्या कुछ होना चाहिए? वुमेन सेफ्टी इज फर्स्ट, मतलब प्राइमरी ये चीज़ें होना चाहिए सबसे पहले, यही अभी हाल फिलहाल में वुमेन सेफ्टी सबसे पहले यही होना चाहिए, और कुछ हो चाहे नहीं हो, विकास हो या ना हो, बट वुमेन सेफ्टी बहुत जरूरी है। आपने देखा कि जिस चाय की दुकान पर हम खड़े हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लगातार चाय पी रहे हैं, और चाय के साथ साथ वाकई में ये चर्चाएं होती हैं। यूथ हमारे साथ है, यूथ का ये कहना है कि हाल फिलहाल में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्टूडेंट्स के लिए रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षा की बात इसलिए महिलाएं कर रही है क्योंकि आए दिन झारखंड में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं घट गई है, जिसके बाद से महिलाओं की जुबान पर जरूर ये घटना है, और महिलाएं कहीं ना कहीं खुद को डरा सा भी महसूस करती है। भैया इधर आइए, चुनाव होना है, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, इस बार कैसे सरकार चाहिए, कैसे विधायक जी चाहिए रांची में? इस बार भाजपा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? भाजपा क्या काम कर रहा है, कितना काम चाहते हैं आप बताइए? बेरोजगार को रोजगार देना चाहता है, लेकिन किसी को रोजगार मिलता नहीं। क्या करना पड़ता है रोजगार के लिए? रोजगार नहीं मिलता तो कैसे काम चलता है? प्राइवेट काम करके काम चलता है हमारा। कैसी सरकार चाहिए आप? कैसी सरकार, सरकार
सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता की हो, और अगर आप कहे सच में तो आपको लगता है झारखंड का विकास हो रहा है? ये हर आदमी अपने आप में ही आप समझ सकते हैं कि झारखंड का विकास किस हद तक और कितना हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात देखिए, एक शर्मनाक हरकत हुई यहाँ, जिसके लिए हर इंसान अंदर से गिलानी से ग्रसित है। और सरकार का कहना है कि वो जनता के लिए कुछ कर रही है, तो हम चाहेंगे हमारा हर नेता इस तरह हो कि उन्हें लगे कि अगर किसी बच्चे के साथ अत्याचार हो तो उनके घर की बेटी हो या घर की बहन हो, घर की माँ हो, और सरकार अपने तरफ से सुरक्षा को इस तरह सशक्त करे, ना ही सशक्त करे, हर जनता में इस तरह का जागरूकता और अवेयरनेस फैलाए कि उन्हें कानून व्यवस्था तगड़ी होनी चाहिए। प्लस हर जनता में भी अपने में नैतिकता रहे कि वो अपने लीडर की तरह ही मोटिवेट हो। इसीलिए हमें लगता है कि आपको इस तरह कहीं सरकार को चुनने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो रांची में घटना घटी उसके बाद से कहीं ना कहीं हर एक के जुबान पर महिला सुरक्षा का मुद्दा जरूर है, और यहाँ के लोग चाहते हैं कि जो भी सरकार आए या रांची में जो भी विधायक जी बने, जरा इस पर गौर करें, क्योंकि मुद्दे में महिला सुरक्षा बहुत मायने रखता है, महिलाओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप बताइए, क्या लग रहा है कि इस बार कैसे विधायक का चयन आप लोग करेंगे, और जब वोट करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान में रखते हुए आप लोग वोट करेंगे? हम लोग महिला सुरक्षा को रखेंगे ध्यान में, और कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को जरूरी है मानना, और क्या बोलता जाता है, मेन है हम लोग भाजपा के सपोर्टर हैं, हम लोग भाजपा को वोट देते हैं, ठीक है, भाजपा को ही वोट जाएगा, लेकिन चेंजेस जरूरी है यहाँ। क्या इस बार सोचे, क्या सोचकर इस बार वोट? इस बार ऐसा हमारा जो समस्या है, बहुत सारा समस्या, ट्रैफिक की समस्या है, यहाँ पर आए दिन जाम लगती है, तो हमेशा लोग परेशान रहते हैं, गाड़ी लेके निकलो तो हो सकता है हॉस्पिटल जाना हो तो हम लोग सही समय पहुंच नहीं पाते हैं, तो इस पे ध्यान दिया जाए। ट्रैफिक की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा है राजधानी में, फ्लाईओवर की लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ की जनता जो है वो जाम की समस्या को झेलना उन्हें पड़ता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के जुबान में ये सारी मांगे हैं, जो भी विधायक बन के आते हैं उन्हें ये पूरा करने की जरूरत है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। पे चर्चा कर रहे हैं, जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता चाय के साथ साथ आखिर चर्चा करती कर क्या रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक चाय, नॉर्मल सी चाय, लेकिन सियासी चाय भी इसे कहते हैं, क्योंकि हर पार्टी दफ्तर में आप, हर दलों के बीच में आप देखेंगे कि चाय के साथ एक सियासी चर्चा जरूर होती है। हमारे साथ एक महिला भी है, उनसे बात करते हैं, इस बार कैसी सरकार चाहती है? हम इस बार ऐसा सरकार चाहते हैं जो कि हर ये को लेकर के, हर मुद्दे को लेकर के अपने राज्य को, केंद्र को उस मुद्दे तक पहुंचाए जहां की लोगों को सुरक्षित चाहिए, सुरक्षा ही सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, सुरक्षा बहुत बड़ी चीज होती है, और आज देख रहे हैं कि जब से रांची में ये घटना घटी है तब से यहाँ के जो भी जनता जनार्दन है उनके जुबा पर कहीं ना कहीं, वो महिला हो या पुरुष, वो हर कोई चाहते हैं कि महिला सुरक्षा, एक सेफ्टी हर एक नागरिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसकी लगातार यहाँ की जनता मांग कर रही है। फिलहाल चलेंगे हम पोटका, जहाँ पर हमारे सहयोगी है, वहां पर क्या कुछ जनता कहती है, जनता का मूड क्या है, चलिए जानते हैं। धन्यवाद अमिता, रांची से जो थी हमारे साथ वो चाय पे चर्चा कर रही थी रांची शहर का। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मैं इस वक्त हूँ पोटका विधानसभा के डोमजुड़ी गांव में। हम लोगों ने अब तक शहर के चाय की दुकान को दिखाया, लेकिन आपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से गांव की चाय की दुकान को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये चूल्हे पे बन रहा है, लकड़ी के चूल्हे पे चाय बन रहा है। समझ सकते हैं कि गांव के जो चाय का दुकान होता है ये झोपड़ी नुमा होता है, और ये गांव के अंदर हम है, एक चाय की दुकान है। चाय की दुकान में गांव के काफी युवा यहाँ है मौजूद, चाय पी रहे थे, तो हमने सोचा कि चलिए चाय की चर्चा इस गाँव से को ही दिखाएं, क्योंकि हर वक्त हम लोगों ने शहर
कि चाय की दुकान को दिखाया, चाय जो दुकान है, चाय की दुकान शहर में कैसे पीते हैं। ये देखिए, ये गांव के युवा हैं और हम इन्हीं लोग से जानते हैं। सर आप चलिए ठीक है, चाय आप मेरे को बाद में दीजिएगा, सामने आइए। गांव में है, निश्चित है, गांव का जो चौपाल होता है, चर्चा तो हो रही होगी, विधानसभा का चुनाव है, क्या सोचकर वोट करने जाएंगे इस बार आप? सर सबसे बड़ा मुद्दा है, हम लोग गांव में रहते हैं, यहां रोजगार एकदम बीजेपी सरकार खत्म कर दिया, ईंट भट्टा खत्म हो गया, केसार खत्म हो गया, अगल बगल हम लोग का बगल में जमशेदपुर है, कंपनी सब बंद हो गया, टपला खा गया। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार। दूसरा मुद्दा है हम लोग का बहन बेटी जो है उसको शिक्षा लेने के लिए टाउन जाना पड़ता है, यहाँ 15 साल हो गया, मतलब विधायक रहते हुए हम लोग का दीदी मेनका सरदार ना तो आपका डिग्री कॉलेज बना ना कभी उसका नाम सुना। दूसरी बात है, इधर जाने में हम लोग को एक ठो पुलिया पड़ता, कब अंग्रेज लोग बना के गया था वही वाला पुलिया है, थोड़ा सा पानी आने से पुलिया डूब जाता है, उस पार का आदमी उस पार रह जाता है, इस पार का आदमी इस पार रह जाता है। बहुत सारा ऐसा है जो साइकिल से टाटा मोटर में और भी छोटा छोटा कंपनी में काम करने जाता है, साइकिल में आना जाना करता, शाम का टाइम बारिश हुआ बरसात में फंस जाता है। अब यही है विकास। चलिए ठीक है, गांव की समस्या है, गांव में पुलिया है लेकिन पुलिया जिस तरीके से रहना चाहिए वैसा नहीं है, बरसात आने से पुलिया जाम हो जाता, उधर के लोग उधर रह जाते, इधर के लोग इधर रह जाते। युवा भी हैं, गांव में हैं, गांव में हैं आप लोग, क्या चर्चा कर चुनाव? ठीक, वर्तमान जो सरकारें हैं वो तो विकास की बात करती है लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि मेरा गाँव में कुछ ऐसा विकास हुआ है। यहाँ बहुत सारे वृद्धाजनों को पेंशन भी नहीं मिलती है और घर भी तो प्रधानमंत्री आवास बहुत सारे दूसरे जगह पे बन चुके हैं लेकिन मेरा गांव में तो कहीं नहीं दिखता है, दो चारे बने होंगे। और हम लोग का ये जो गाँव का जो सड़क का दयनीय स्थिति है उसको भी नहीं, उसको उपेक्षित किया जाता है, सरकार नहीं देखती इसको। गांव का तो सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं। ठीक है ठीक है, देखिए लोगों का कहना है, जो गांव के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से विकास होना चाहिए था गांव में नहीं है। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं गाँव के चाय के चौपाल पे। आपका स्वागत है चुनावी चाय चर्चा पर। हम हैं गांव में, गांव के चाय की दुकान हमने दिखाया, गांव के युवक है यहां पर चाय पी रहे हैं, निश्चित है युवा ही देश को आगे लेकर जाता है। हम इन लोग से जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव है, 7 तारीख को मतदान है, क्या सोचकर आप जाएंगे वोट करने के लिए? देखिए सर, मैं ना कहने के बाद ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, हमको 3 चीज चाहिए, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। तीनों चीज किसी में आज तक अभी तक कोई तरह का मतलब आगे नहीं बढ़ा है। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे 300 बच्चा था, 5 क्लास तक मेरा गांव में स्कूल था, उस समय मेरा 15 मास्टर था, अभी 700 बच्चा है, 6 भी मास्टर नहीं है। और शास्त्र मेरा डोमजुड़ी गांव में करीब 7 साल होने जा रहा, मकान तो बन गया बढ़िया से एकदम चकाचक, आज तक एक तो डॉक्टर तक नहीं आया। किसान का जो हाल है, किसान का कोई तरह का सुविधा नहीं है, जमीन पड़ा हुआ है खेती जमीन, लेकिन पानी का चक्कर में कोई आदमी मतलब सही टाइम से खेती बाड़ी नहीं कर पाता है। गांव का हर एक तो रोजगार, जैसा हम लोग का गांव में बहुत ऐसा गरीब आदमी है, जैसे किसार हुआ, ईटा भट्टा हुआ, छोटा छोटा करीब 250-300 आदमी डेली गाँव का, हम लोग का माँ बेटी जो जाता था वो सब भी बंद कर दिया है। 14,000 स्कूल बंद कर दिया झारखंड में, पूरा झारखंड में 14,000 बंद, गरीब आदमी पढ़ने में बहुत तरह का दिक्कत हो रहा है। गांव में क्या कोई समस्या है? गांव में बहुत समस्या है।
स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ अभी तक यूज नहीं हुआ, अभी तक डॉक्टर नहीं आया। चलिए ठीक है, देखिए गांव में स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन डॉक्टर नहीं आते, अमूमन यही स्थिति सारे गांव की नजर आती है, कहीं कहीं डॉक्टर भी नजर आते हैं। क्या चर्चा हो रही थी आप लोग सब एक साथ दोस्त, चाय की दुकान है गाँव में, शहर में तो खूब चर्चा होती है चुनाव के समय, लेकिन चुनाव अभी गाँव में आप लोग क्या चर्चा करें? अब चर्चा क्या करेंगे, खाली तो 15-16 साल से सुन रहे विकास विकास विकास, अब क्या चीज का विकास हो रहा है 15-16 साल से होता हम लोग भी नहीं जान पा रहे। विकास तो नहीं, खाली गरीब को खाली सता रहा है, हर चीज में सता रहा है, घर से जाइए बाहर हेलमेट चेकिंग ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, देखिए आप भी आइए, क्या सोच कर वोट डालने जाएंगे 7 तारीख को? इधर कैमरे की तरफ। हम विकास के ये के लिए वोट डालने जाएंगे, वर्तमान जब हम हमारे पटका विधानसभा में स्थिति है, विकास की जो बात करते हैं बहुत ही खराब स्थिति है। चलिए ठीक है, देखिए इनका कहना है कि जो विकास की बात करेगा हम उसके तरफ जाएंगे, ये तो 7 दिसंबर को ही पता चल पाएगा और 23 दिसंबर को जब मतगणना होगा कि पोटका की जनता किसे अपना सरदार चुनकर विधानसभा भेजती है। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मुखातिब होंगे नई जगह से, तब तक के लिए नमस्कार।